हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्यातिज हैप्पी कुकिंग। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल कच्ची हल्दी की सब्जी, जो खाने में बहुत हेल्दी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और फटाफट भी बन जाएगी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये मैंने लिया है 100 ग्राम कच्ची हल्दी। इसे मैंने वॉश कर लिया है और अब मैं इसे छीलूंगी। और अब ये हल्दी को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और ये लीजिए, हल्दी को मैंने कद्दूकस कर भी लिया। अब ये एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाला 4 टेबलस्पून घी। अब ये डाल रही हूँ मैं 2 साबुत मिर्ची, 3 ये लौंग, 1/2 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची। और अब ये सारी चीज़ों को मैं घी में अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब ये डाला मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और इसे भी अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सच में घी में जब लहसुन जाता है ना, बहुत सही खुशबू आती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये हमने जो हल्दी को कद्दूकस कर रखा था वो। और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब थोड़ा टाइम के लिए मैं इसे ढककर छोड़ देती हूँ। और अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हल्दी पक गई है ना, और घी भी सेपरेट हो गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। और अब मैं इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। और अब ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप दही। दही डालने के टाइम पर गैस की फ्लेम बिल्कुल भी धीमी कर दीजिए ताकि दही फट ना जाए। और दही भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। और अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप हरे मटर। ये मटर को मैंने बॉईल कर लिया था और अब जस्ट मैं मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं गैस की फ्लेम चालू रखूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स अपने आप ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। और ये देखिए अब सब्जी पूरी तरह से रेडी है। और अब फाइनली मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से धनिया। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, सब्जी मैंने सर्व कर लिया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये सब्जी मैंने सर्व किया है जवारी के रोटला के साथ, साथ में ऐड किया है प्याज, यह है तली हुई मिर्ची और यह मेरा फेवरेट लहसुन की चटनी। ये सब्जी खाने में बहुत हेल्दी है और वैसे भी ये हल्दी सिर्फ मिलती सर्दियों में है। तो ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर रेसिपी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।